जहाँ ज़्यादा संवेदनशीलता है, जहाँ ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और काफ़ी बढ़ रही है, 150 गुना बढ़ रही है, तो उन सभी जिलों के साथ हमारा संपर्क भी है। हम उनको एडवाइजरी भी दे रहे हैं, हर प्रकार का सहयोग भी दे रहे हैं। आज भी मैंने बातचीत किया है हमारे तमाम ऐसे ICMR के भाई, RT-PCR वगैरह का जो मशीन है वो उन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70% टेस्टिंग RT-PCR से होना चाहिए, 30 से 40% मैक्सिमम जो है टेस्टिंग आपका एंटीजन का होना चाहिए, वैक्सीनेशन मैक्सिमम राज्यों में उन सभी जो ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं उन सभी जगहों पर ज़्यादातर और RT-PCR को बढ़ाने का आग्रह किया। वैक्सीनेशन को, एक आखिरी सवाल, वैक्सीनेशन को लेकर डिमांड ये आ रही है, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की जाए क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसा उन्होंने मांग की। कल भी डिबेट में कई सांसदों ने इसकी मांग की थी। ठीक कहा आपने, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ RT-PCR टेस्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ये भी बात आग्रह में आया, क्योंकि यहाँ भी एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहा है और RT-PCR टेस्ट कम हो रहा है, दिल्ली में भी बढ़ रहा। अब रही बात कि उन्होंने वैक्सीन के बारे में कहा, तो स्वाभाविक है वैक्सीन की जो एक प्रक्रिया है, मैं कोई राजनीतिक भाषा में जवाब देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर उनको सब कुछ मालूम है फिर भी वो राजनीति वैक्सीन पर करना शुरू कर देते हैं तो ये उचित नहीं है। प्रक्रिया के तहत हम एक साथ सबको ले लें। अरे पहले आपने देखा कि हमारे फ्रंट, मतलब जो इस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मी थे, स्वच्छता कर्मी, ये सब आए, फिर हमारे फ्रंट लाइन मतलब वॉलंटियर जो साथ में रहे, फिर दूसरे फेज में अभी चल रहा है 60 से ऊपर के लोगों का, 45 से ऊपर जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, ऐसे सब लोगों का विधिवत चल रहा है। एक दिन में 30 लाख भी आए हमारे, एक दो दिन पहले आपने देखा कि 30-30 लाख लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। हर रोज वैक्सीन की संख्या बढ़ाने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं राज्य सरकारों से, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार इसमें अपना ज़्यादा समय जल्दी से कर लें, और जितना जल्दी राज्य सरकार कर लेंगे उतने ही जल्दी हम लोग चाहेंगे कि और लोग जो है 18 से ऊपर के भी जो लोग हैं उस पर भी गंभीरता से हम लोगों ने विचार किया है आगे भी जल्दी ही। तो ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी वो 60 से ऊपर वाला जो फेज चल रहा इस प्रक्रिया को जितना जल्दी पूरा करेंगे उतना ही उनके लिए भी अच्छा होगा और राज्य की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी हितकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक प्रक्रिया के तहत टीका दिया जा रहा है सबको, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, और जितनी जल्दी राज्य सरकारें इसको पूरा करेंगी उतनी जल्दी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ये कहना है अश्विनी चौबे का। प्रशांत, ABP News, दिल्ली। ABP News आपको रखे आगे।